अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सेम के बीज के कीमा, जिसके अज्जा हैं बीफ का कीमा लिया है हमने आधा किलो, सेम के बीज लिए हमने एक पाव, तीन प्याज लिए हैं जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है, दो टमाटर लिए हैं इसको भी स्लाइस में काट लिया है, एक कप दही लिया है, धनिया पाउडर लिया है एक चम्मच, अदरक लहसुन एक एक चम्मच, गार्निश के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है एक चम्मच, अदरक लिया है जिसको जूलियन काट लिया है और 6-7 हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़ी हमने काट ली हैं थोड़ी साबुत रखी हैं, एक टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, हसबे जायका नमक और एक चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, लौंगे हमने लिए हैं 4 से 5, काली मिर्चें ली हैं 6 से 7, हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है और 2 हमने बड़ी इलायची ली है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट फ्राई करेंगे इसको। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाकर और 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसको मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, इसको भी मिला लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे और हसबे जायका नमक डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे और इसको दही के साथ में भूनेंगे। और अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसको मिला लेंगे। कीमा भुनने के बाद अब हम इसमें सेम के बीज डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। और 1 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे सेम के बीज को, 20 से 25 मिनट के लिए सेम के बीज को गलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद ये सेम के बीज गल गए हैं, अब हम इसको खूब भूनेंगे और इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए इसका ढकना लगा देंगे। 5 मिनट के बाद इसको भूनेंगे और अब हम इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक कमेंट्स बॉक्स में। मसाला भूनने के बाद 1/2 कप पानी डालेंगे। और अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको भी 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये हमारा सेम बीज कीमा तैयार है।